नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड की बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ यशी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। 1015 कोरोना केस सामने आने के बाद सीएम त्रिवेंद्र जोड़े हाथ, जनता की भलाई के लिए कही बात। रुद्रपुर पहुंचे कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना, कहा हर मोर्चे पर फेल प्रदेश सरकार। रुद्रप्रयाग में विकास भवन की सड़क का विकास कर, सड़क से रोज गुजरते हैं दिया, मोटर मार्ग की जगह जगह उखड़ा है डामर। रुड़की में लगातार जारी है गुलदार का आतंक, गांव में भारी दहशत का माहौल, बकरी को बनाया अपना निवाला। चारधाम यात्रा पर लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु, अब तक 11,000 श्रद्धालु कर चुके केदारनाथ, मधमहेश्वर व तुंगनाथ के दर्शन। लगातार दूसरे दिन मिले कोरोना के 1000 से ज्यादा संक्रमित मरीज, मरीजों की संख्या 28,000 के पार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले चमोली से बड़ी खबर, जहां पर परखार डुंगरी मार्ग पर हुआ हादसा, खाई में कार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया। लगातार हो रहे गड्ढों के कारण हो रहे हैं हादसे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाई में कार गिरने से 3 लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल हुआ है। घायल को ग्रामीणों ने पहुंचाया है अस्पताल। चमोली परखार डुंगरी मार्ग पर हुआ हादसा, बड़ी खबर, खाई में कार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ। घायल को ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि लगातार हो रहे गड्ढों से हादसे ज्यादा बढ़ गए हैं। चमोली परखार डुंगरी मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ, खाई में कार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, एक घायल भी हुआ है। घायल को ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल राणा जी जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे ये जो कार है जो खाई में गिरी, ये कहां से आ रही थी और ये लोग कहां जा रहे थे, कितने लोग सवार थे, या कुछ जानकारी है? ये जो कार थी ये चमोली जिले के जो नारायणबगड़ है, नारायणबगड़ से एक जो मार्ग जाता है, ये जाता है नारायणबगड़ परखार मोटर मार्ग। यहाँ से कुछ एक और रास्ता कटता है, वहां से ये गाड़ी सीधी एक जगह है उसके नजदीक ही ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें 3 लोग इसमें घटनास्थल पर मृत्यु पाए गए और एक घायल हुआ है। जी अनिल, जो व्यक्ति घायल हुआ है उसकी क्या स्थिति बनी हुई है? फिलहाल उसका उपचार चिकित्सालय में चल रहा है और उसकी स्थिति भी फिलहाल ठीक ही बनी हुई है। जी अनिल, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गड्ढों की वजह से ये हादसे हो रहे हैं, इनको लेकर प्रशासन सुधार क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हादसे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी आपको बता दें कि लगातार पहाड़ी जिलों में जो सड़क है, सड़कों में यहाँ पे भारी बारिश के बाद और आपदा के बाद यहाँ सड़कों की स्थिति बिल्कुल खराब हुई है और कई बार यहाँ पे ओवरलोडिंग भी कारण बन जाता है और कई बार यहाँ पे जो सड़क है उसमें मलबा आने से भी दुर्घटनाएं हो जाती है। प्रशासन इसके लिए लगातार विभागों को निर्देशित करता है कि सड़कों की स्थिति सुधार जाए। विभाग भी कई बार यहाँ पे लापरवाही कर रहे हैं, इसको लेकर के भी यहाँ पे स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ रहता है। जी जी अनिल, बिल्कुल लापरवाही तो कहीं ना कहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे हादसों के कारण ही आरटीओ है एरविन रॉसी, उन्होंने भी अभियान चलाया हुआ है और लगातार वो जो ओवरलोडिंग की सवारियां गाड़ियों में सवारियां जा रही है उनको देखिए, कल ही यहाँ पे उन्होंने जो सिविल ड्रेस में यहाँ पे जगह जगह जाकर के सड़कों का निरीक्षण किया है और चेकिंग चलाई है। इससे भी लोगों में ये है कि जो ओवरलोडिंग है और जो चालक शराब पी करके वाहन चलाते हैं उनमें भी एक प्रकार से वो सतर्क हुए हैं। जी जी तमाम जानकारी के लिए अनिल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाथ जोड़कर लोगों से मास्क का सही तरह से प्रयोग करने की अपील की है। ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करते हुए सीएम रावत ने कहा कि बिना मास्क घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। मास्क बोझ नहीं बल्कि ये हमारी सुरक्षा है। राज्य में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1015 नए मामले सामने के आने के बाद सीएम रावत ने अपील की है कि सतर्क रहें, सावधान रहें और कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन अनिवार्यता से करें। उन्होंने मास्क की अहमियत समझाने के लिए एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जो तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मास्क का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, MASK, मास्क एम मेरा, आ ए से आपका, एस से सुरक्षा और के से कवच, मेरा आपका सुरक्षा कवच। मास्क की अहमियत बताई है यहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और हाथ जोड़कर उत्तराखंड वासियों से विनती की है कि बिना मास्क के घर से बाहर ना रहें, ना निकले, सतर्क रहें, सावधान रहें तथा कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन अनिवार्यता से करें। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लगातार जो मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, 1000 से ज्यादा मरीज 24 घंटे में सामने आए हैं, उसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत चिंतित हैं। इस वजह से उन्होंने ये फोटो पोस्ट की है और मास्क की अहमियत उत्तराखंड वासियों को बताई है। सरोवर नगरी का हनुमानगढ़ी क्षेत्र इन दिनों हिरण प्रजाति के वन्य जीवों से गुलजार है। इस मौसम में यहाँ हिरण प्रजाति के घुरनों के कई सारे झुंड कई बार नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी आसानी से नजर आ रहे हैं। जंगलों में बामुश्किल दिखाई देने वाले इन वन्य जीवों को देखने लोग पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हिरण प्रजातियों से गुलजार सरोवर नगरी, वन्य जीवों से गुलजार हनुमानगढ़ी क्षेत्र, गुरड़ों के कई सारे झुंड आ रहे हाईवे पर नजर, पर्यटकों को भा रहा रोमांचक अनुभव। सरोवर नगरी का हनुमानगढ़ी क्षेत्र इन दिनों हिरण प्रजातियों के वन्य जीवों से गुलजार है। इस मौसम में यहाँ हिरण प्रजाति के गुरड़ों के कई सारे झुंड कई बार नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। जंगलों में बमुश्किल दिखाई देने वाले इन वन्य जीवों को देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं, क्योंकि खुले में वन्य जीवों को इस तरह सड़क के पास घूमते देखना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव होता है। हनुमानगढ़ी क्षेत्र सूर्यास्त और सर्दियों में खूबसूरत विंटर लाइन के प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। वन विभाग ने इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पहाड़ी घर व छतरियों युक्त पार्क बनाए हैं। ऐसे में यहाँ गुरड़ों की मौजूदगी इस क्षेत्र के पर्यटन महत्व को एक नया आयाम दे सकती है। ये हनुमानगढ़ी की एरिया है, हम अक्सर आते हैं तो हमें पूजा करने के आते हैं, इसलिए हमें दिख जाते हैं। हम अक्सर आते रहते हैं यहाँ, झुंड आते रहते हैं पहाड़ियों में चढ़ते हुए, हमें दिख जाते हैं। बढ़िया सर, यहाँ का एटमोस्फेयर भी बढ़िया है और काकड़ और घुरुड़ यहाँ दिखते हैं हनुमानगढ़ी के आसपास की, और हनुमानगढ़ी की जो इलाका है वो भी बहुत सुंदर है, और यहाँ के टूरिस्ट अगर शांति पीरियड कोई टूरिस्ट हैं तो यहाँ आ सकते हैं, और एटमोस्फेयर भी बहुत बढ़िया है यहाँ का। घुरड़ काकड़ वैसे तो कभी भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब धूप का टाइम होता है, जब मतलब सन ठीक रहता है, तो उस टाइम पे ज़्यादा देखे जाते हैं। बारिश के बाद तो मोस्टली आप ये सामने वाले उसमें देख सकते हैं घुरड़ और काकड़ आसानी से। कहने को तो नैनीताल में कई दिलकश पर्यटक स्थल हैं, लेकिन पर्यटकों को सबसे अधिक पसंदीदा पर्यटक स्थल बनी हुई है नैनी झील, जहां पहुंचकर कई पर्यटक प्रकृति के ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं अब पर्यटकों की खुशी दोगुनी हो गई है। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। समुद्र तल से 13,303 फीट की ऊंचाई पर NHPC ने ग्रामीणों की जांच के बाद वितरित की दवा भारत के चाइना बॉर्डर के गांव नाबी रोंगकोंग
गुंजी कुटी में लगा कैंप एनएचपीसी के द्वारा सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। अभी तक दारमा ब्यास चौदास वैली के 3000 से अधिक ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दे चुकी है। एनएचपीसी धारचूला ब्यास वैली में स्थित भारत के अंतिम गांव कुटी में 13,333 की ऊंचाई पर भी मेडिकल कैंप लगाकर 1000 लोगों को जांच के बाद दवा वितरित की। एनएचपीसी के वरिष्ठ महाप्रबंधक विश्वजीत बासु ने कहा कि एनएचपीसी के द्वारा सीमांत क्षेत्र में कोरोना संक्रमण कारण जारी लॉकडाउन के समय ही ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए जारी मुहिम अनलॉक में भी सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें अभी तक 3000 से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया है। इसी क्रम में भारत के अंतिम गांव कुटी तक भी एनएचपीसी के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई गई। धारचूला के उपजिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि ब्यास वैली के जनप्रतिनिधियों के द्वारा सीमांत मेडिकल कैंप लगाने का आग्रह किया गया था। एनएचपीसी के सहयोग से इन क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाए और स्थानीय नागरिकों का हेल्थ चेकअप और दवा वितरण की जा रही है। कुटी गांव के स्थानीय नागरिक राजेश कुटियाल ने एनएचपीसी धारचूला को धन्यवाद दिया। इस दौरान वरिष्ठ महाप्रबंधक विश्वजीत वासु, महाप्रबंधक एचआर इकरा मुल्हक व मेडिकल स्टाफ उपस्थित थे। स्थानीय नागरिक व बीआरओ व पुलिस की जांच भी की गई और दवा वितरण की गई। ब्यास वैली और चौदास वैली तीनों वैलियों में जो है दूरस्थ ग्रामों में अपना जो है हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है और इससे जो है ग्रामवासी काफी लाभान्वित हुए हैं। उनके द्वारा जो है प्रशंसा भी की गई है, हमारे पास उसका फीडबैक आया है, काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। इस तरीके से एनएचपीसी के सहयोग की हम सराहना करते हैं। और इसके पूर्व भी जब लॉकडाउन हुआ था उस समय जो है दूरस्थ माइग्रेशन वाले जो लोग आ रहे थे और हमने जो सेंटर बनाया हुआ था उसमें भी इनके द्वारा एक सेंटर को गोद लिया गया था, तो इनका बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। यहाँ दूरस्थ ग्राम में सीमावर्ती ग्राम क्षेत्रों में इनके द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया है, दैट इज़ वेरी गुड। कोविड-19 लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान एनएचपीसी लिमिटेड प्रशासन का अनुमति से धारचूला विकास मंडल का दूर दराज नज़दीक सभी गाँव में मेडिकल सेवाएं पहुंचाते रहा। इसका दौरान बीच में जो क्लाउड बस्ट हुआ था, बादल फटा, उसके दौरान जो मेरे आपका राहत शिविर लगाया गया था वहाँ पे भी हमने मेडिकल कैंप लगाया है और राहत सामग्री भी पहुँचाया है वहाँ पे हम। और इसके दौरान जो हमारा धर्मा वैली है, चौदास वैली है, वहाँ पे भी हमने मेडिकल कैंप लगाया है। देहरादून सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ अपर सचिव गृह की चल रही जांच के विरोध में सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सचिवालय संघ के पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिवालय संघ ने सरकार से अपर सचिव गृह की जांच को वापस लेने की मांग की। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि शासन ने जो आरोप मेरे खिलाफ लगाए थे उसका 4 सितंबर को जवाब दिया जा चुका है। सचिवालय संघ ने अपना जवाब मुख्य सचिव ओम प्रकाश को भेज दिया है, मगर शासन अपर सचिव गृह से पूरे मामले की जांच कराने पर तुला हुआ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरकार द्वारा कर्मचारी संगठनों के अस्तित्व पर जो कुठाराघात किया गया है और सचिवालय जैसी शीर्षस्थ कार्यालय इकाई के पदाधिकारियों को जिस तरह से टारगेट किया गया है, कहीं ना कहीं इसके विरोध स्वरूप आज ये धरना कार्यक्रम लगाया है, जिसमें सचिवालय संघ और सचिवालय के सभी संवर्गीय संघों के पदाधिकारी यहाँ बैठ रहे हैं। रुद्रपुर में इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमाऊं दौरे पर हैं और इस कड़ी के चौथे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह रुद्रपुर पहुंचे, जहां उनका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी मौजूद रही। प्रीतम सिंह ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड में समस्याओं का अंबार लगा है, 4.25 साल भाजपा की सरकार को प्रदेश में बने हुए हो गए हैं, लेकिन विकास प्रदेश में होता कहीं दिखाई नहीं दिया। प्रदेश में किसान की समस्या, महंगाई की मार, भ्रष्टाचार में बढ़ावा और कोरोना की समस्या, हर मोर्चे पर उत्तराखंड सरकार विफल रही। उन्होंने कहा कि 4.25 साल में डबल इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। और हो जाए उसके बाद स्वागत। आप आइए।
समस्याओं को तो अंबार लगा हुआ है। पौने चार साल में सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। आज हालत देख लीजिए, चाहे किसानों की बात करें, चाहे नौजवान साथियों के रोजगार की बात करें, चाहे विकास की बात करें, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे कोरोना की बात करें, हर मोर्चे पर सरकार पूरी तरीके से विफल है और पौने चार साल होने जा रहा है, डबल इंजन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। बेरीनाग क्षेत्र में गुरुवार को एक बार फिर कोरोना के 7 मरीज एक साथ पॉजिटिव निकले, जिसमें पाखू क्षेत्र के पति पत्नी और बेरीनाग क्षेत्र के 5 लोग पॉजिटिव मिले, जिसमें पिछले दिनों नगर में एक वृद्ध कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसकी बेटी सैंपल भेजे थे, वो भी कोरोना पॉजिटिव निकली। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि सभी को कोरोना केयर सेंटर चौकोड़ी में भर्ती किया जा रहा है। इनके साथ में आए अन्य लोगों के सैंपल लिए गए और बताया कि सीएससी बेरीनाग में प्रतिदिन सैंपल लिए जा रहे हैं। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों से सैंपल देने की अपील करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की। बेरीनाग पिछले एक सप्ताह के भीतर 16 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। गंगोलीहाट और बेरीनाग क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए अब पर्यटक आवास गृह चौकोड़ी में कोरोना केयर सेंटर बना दिया गया है, जिसमें कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। केयर सेंटर में 13 लोगों को भर्ती किया जा चुका है। खबर देहरादून से है। कोरोना महामारी के बहाने एक बार फिर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्पाना ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति लगातार नियंत्रण से बाहर हो गई है। 3 दिन से लगातार मैं स्वयं अस्पतालों की स्थिति जान रहा हूं और उनसे मांग कर रहा हूं कि पेशेंट के लिए रेस्ट बैटरी सिस्टम के साथ बेड चाहिए। 3 दिन से लगातार मुझे सूचना दी जा रही है कि पूरा अस्पताल फुल है, अस्पतालों के पास बेड भी उपलब्ध नहीं है। 6 महीने में भी सरकार इतने गंभीर मामले में कोई एक्शन नहीं ले पाई। कोई भी जिला उत्तराखंड का ऐसा नहीं है जहां से कोरोना वायरस संक्रमित मरीज न मिल रहे हैं। कोरोना की स्थिति लगातार नियंत्रण से बाहर हो रही है। मैं लगातार 3 दिन से स्वयं खुद मॉनिटर कर रहा हूं। 3 दिन से मैं लगातार देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जो कोविड डेडिकेटेड है, दून हॉस्पिटल, एम्स, उसके अलावा जॉली ग्रांट, उसके अलावा मैक्स, इन अस्पतालों में स्वयं फोन करके जो वहां के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे डिमांड कर रहा हूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की सपोर्ट के साथ बेड चाहिए पेशेंट के लिए। और 3 दिन से लगातार मुझे जो सूचना दी जा रही है वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा अस्पताल फुल है। भवन रुद्रप्रयाग के अलावा जिला कार्यालय को जोड़ने वाला खुरड़ विकास भवन कलेक्ट्रेट मोटरमार्ग बदहाल स्थिति से गुजर रहा है। मोटरमार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से उबड़ खाबड़ हो गया है, जबकि मोटरमार्ग पर जगह जगह डामर भी उखड़ चुका है। आए दिन जिलाधिकारी सहित तमाम अन्य विभागीय अधिकारी मोटरमार्ग से आवाजाही करते हैं, लेकिन मोटरमार्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं। ऐसे में स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब विकास भवन और कलेक्ट्रेट को जोड़ने वाली सड़क की बदहाल स्थिति से गुजर रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले लिंक मोटरमार्गों की स्थिति क्या होगी। दरअसल रुद्रप्रयाग विकास भवन को जोड़ने वाला मोटरमार्ग जर्जर हालत में है। स्थिति यह है कि मोटरमार्ग पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। भवन की सड़क है जहाँ की जिले के तमाम जो अधिकारी गए हैं इनके काले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे कि इसी सड़क के पूरे हाल खराब हैं, तो जनपद की अलग बाकी सड़कों के क्या हाल होंगे वो सोच भी नहीं सकते थे। फ्रंट पे बोल ही रहा था कि ये जिस जिले की जो है पूरे विकास की समझ विकास भवन चल रही है वहीं का जो है रोड सही, तो आम जिले के क्या हाल होंगे। पूरे गड्ढे हो रखे हैं, कोई सुनने वाला कोई देखने वाला, इसमें जिलाधिकारी जाते हैं, जज साहब जाते हैं, सीडीओ जाता है, क्या क्या कहेंगे। मामला जो है विशेष रूप से सरकार को ये मामला अपने संज्ञान में लेना चाहिए। विकास भवन जब पूरे जिले का अस्थायी विकास भवन है, ये यहाँ की स्थिति को देखते हुए हम डेली ये इस रोड से गुजरते हैं, पर ये रोड देखिए आधा किलोमीटर की रोड इतनी खराब डेंजर हो रखी है, हमारी गाड़ी मतलब नीचे लग जाती है गाड़ी।
तो ये अभी प्रशासन ये रोड नहीं बना पा रहे हैं। जो सड़क है ये क्षतिग्रस्त हो रखी है, इसको ठीक कराने के लिए हम लोगों ने जिला योजना में प्रस्तावित किया है और ये इस माह के अंदर अंदर ये रोड ठीक हो जाएगी। कितना लंबाई? 5 लाख की धनराशि स्वीकृत कराई है। बाजपुर के भूमि प्रकरण मामले को लेकर कांग्रेस का गुस्सा देखने को मिला, जिसके चलते तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से किसानों को उनकी जमीन को वापस करने की मांग की। बता दें कि बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख पर पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने रोक लगा दी थी। इसको लेकर लगातार कांग्रेस और किसान सरकार से किसानों की जमीनों को मालिकाना हक वापस देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे, तो वही सरकार किसानों के पक्ष में निर्णय आने की बात कर रही। जिस तरीके से बाजपुर के लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है और बाजपुर के लोग इसके लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, और आज निश्चित रूप से कांग्रेस बाजपुर के लोगों की पीड़ा को समझते हुए उनके साथ खड़ी है और आंदोलन जो बाजपुर के लोग चलाएंगे उसका पूरा साथ देने का काम करेंगे। और हम लोगों ने तय कर लिया है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर, क्योंकि जो भी कलेक्टर ने कहा नियम के विरुद्ध है, भूमिधरी राइट को थोड़ी छीना जा सकता है। एक कलेक्टर की कलम में इतनी ताकत क्या हम दे देंगे? विधानसभा में बैठे लोग कानून हम बनाते हैं, उस कानून का पालन करना अधिकारियों का काम है। यदि सरकार नहीं करा पाएगी तो सड़क पर उतरेंगे, जेल भरो आंदोलन का आह्वान करेंगे, लेकिन इन्हें भूमिधरी राइट इनका छीनने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि अधिकारी जो निरंकुश हो गए। खबर रुद्रपुर से है। बाल विकास विभाग के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरे एवं मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने 8 बालिका विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रोजेक्टर दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल ई लर्निंग क्लास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो प्रोजेक्टर उपलब्ध कराए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। 8 बालिका विद्यालयों को प्रोजेक्टर बांटे गए हैं, एक अच्छी पहल की गई है। बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, 8 बालिका विद्यालयों को प्रोजेक्टर बांटे गए हैं और एक सराहनीय काम किया गया। आजकल जो हमारा डिजिटल एजुकेशन है या ई लर्निंग क्लासेस हैं उसका आजकल जो है बढ़ावा देने के लिए हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत हमने 8 बालिका विद्यालयों में जो हमारी GGICs हैं उसमें प्रोजेक्टर उपलब्ध कराए हैं, जो कि प्रधानाचार्य गणों को उपलब्ध कराया गया है। उसमें वही है, एक तरफ जो बच्चों को हम लोग ई लर्निंग क्लासेस के लिए जो हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं स्कूलों को, तो उनके पास संसाधन होने चाहिए तभी वो कर पाएंगे, तो इसके मद्देनज़र दिया गया ताकि हम लड़कियों की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दे सकें। और जो आजकल जो हमारी स्मार्ट क्लास चलनी है, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन चलना, तो उसके लिए संसाधन उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने उन स्कूलों को जो GGICs को प्रोजेक्टर उपलब्ध कराए। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।